बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो इसके लिए माजरत कि मैं काफ़ी दिन से वीडियोस जो हैं वो नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी जिनकी वजह से वक्त नहीं मिल पाया। इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा 9th के हवाले से वीडियोज़ अपलोड की हैं कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आप पेपर के लिए, आपके पेपर के लिए ज़रूरी हैं, जिनको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगा कंप्यूटर साइंस के हवाले से, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान थे कि क्या सर टॉपिक होगा, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे, इनके बारे में गाइड कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा, मैंने इस वक्त पेज नंबर 30 ओपन किया हुआ है टेक्स्ट बुक का, और इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं। उन क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इम्पॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद आपके पास सवाल है कि सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ अ मल्टीपल एल्गोरिथम्स एंड हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशियंट वन विद इन एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन टेस्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा की जो एक टाइप्स हैं वो आपने करनी है। और आगे लास्ट पे है, डिफाइन अ ट्रेस टेबल, ट्रेस टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा जो आपकी ऑब्जेक्टिव होगी उसको आपने अच्छी तरह से करना है। अब हम इसके बाद मूव करेंगे 51 पेज नंबर पे जब मैं बात करूंगा, तो 51 पेज के ऊपर ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके सामने हैं। पहले पार्ट में ये हैं, कन्वर्ट करनी है आपने 6960 को हेक्साडेसिमल में। इसके अलावा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का क्वेश्चन है, ये करना है आपने। इसके बाद टेम्प्रेरी एंड परमानेंट स्टोरेज जो है ये सवाल करेंगे आप। इसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है एक्स एंड वाई का, और वैल्यूज़ आपको दी हुई है, एक्स जो है इट इज़ सनी एंड वाई टुडे इज़ मंडे, इसके ऊपर आपने बनाना है। और जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ए बी सी डी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी का नंबर दिया हुआ है उसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये दोनों आपके लिए इंतहाई ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो ये लिहाजा आपने इनको अच्छी तरह से जो है वो तैयार करना है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उन पे बात करेंगे। नेटवर्क चैप्टर का नेम है, एंड स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट के ऊपर आप लिखेंगे, राइट द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद नेटवर्क एड्रेसिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल, वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, व्हाट इज एप्लीकेशन शेयरिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल। और लास्ट पे है, इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल इज क्लाइंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर गिव रीजन टू योर सपोर्ट योर आंसर। क्लाइंट सर्वर जो है इस तरह तक जो सवाल है ये सारे आपने करने हैं, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ TCP और IP, डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर विद देयर फंक्शंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्टूडेंट्स इनको रेडी करना है ताकि कोई भी चीज़ इनमें रह ना जाए। इसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में जो क्वेश्चंस आपने करने हैं, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग दोनों मिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सवाल, डिफाइन साइफर नेट, वाई डू वी नीड एन इंस्टॉलेशन कीज वेयर एज एन अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड, डिफाइन डायनल ऑफ सर्विसेज, गिव अ रीजन टू ऐड कैप्चा, एंड What is patent and why do we need to register it? ये short answers हैं, ये सारे के सारे आपने करने हैं। इस chapter में long answer आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम move on होंगे next chapter की तरफ। हमारा next chapter जो है वो chapter number 5 है। chapter number 5 की जब हम बात करते हैं, इसमें जो short answers हैं ये आपने मुकम्मल ready करने हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने chapter number 5 के short answer ready नहीं करने, मैं बताता चलूँ कि वो अपना पूरा paper attempt नहीं कर सकता।
तो क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर, क्रिएट अ बेसिक टेबल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, दोनों करने हैं आपने, रोस्पान और कोस्पान, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट HTML पेज, ये आपने बिल्कुल मुकम्मल रेडी करने हैं क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर इसमें भी कोई नहीं आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आप बिलीव करें कि आप मुकम्मल तौर पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक बाहूबी पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।